गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मॉडर्न विद्या मंदिर स्कूल, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर फिफ्थ, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, न्यूवर्स, LITHO, SPHER, लिथोस्फेयर, स्थलमंडल, HYDRO, SPHER, हाइड्रोस्फेयर, जलमंडल, ATMOSPHER, एटमोस्फेयर, वायुमंडल, MOUNTEVEREST, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट पर्वत, SITUATED, स्टूटेड, स्थित, EXPENSIVE, एक्सटेंसिव, बहुत बड़ा, PLATEAUSE, प्लेट्यूस, पठा, LONGITUDES, लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर, ISTHMUS, इस्थमस, थल, डमरू, मध्य, TROPOSPHER, टेरपोस्फेयर, क्षोभमंडल, BIOSPHERE, बायोस्फेयर, जैवमंडल, PACIFIC, पैसिफिक, प्रशांत महासागर, ETLANTIC, अल्टांटिक, अल्टांट्रिक, TEREMOSPHERE, थर्मोस्फेयर, आयन मंडल, EXOSPHERE, एक्सोस्फेयर, RADIATION, रेडिशन, एक्सोफियर, विकरण। क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज लिथोस्फेयर, स्थल मंडल क्या है, The upper surface of the earth which is made of soil and rocks is called lithosphere. पृथ्वी का बाहरी ऊपरी आवरण या परपट्टी जो कि मिट्टी व चट्टानों से बनी होती है स्थल मंडल कहलाती है. What is hydrosphere, जलमंडल क्या है, The water bodies like ocean, sea, river, lake represent the liquid domain and is called hydrosphere. समुद्र की नदियां जैसे झील, जल निकाय, तरल पदार्थ को पीछे छोड़ देती हैं, उसे जलमंडल कहा जाता है. Where the Africa is located, अफ्रीका का स्थान कहाँ है, अफ्रीका is located to the south of Europe and the southwest of Asia. अफ्रीका यूरोप के दक्षिण में और एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है. व्हाट इज इस्थमस, इस्थमस किसे कहते हैं, ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड गोइंग टू लैंड मासेस इज कॉल्ड इस्थमस. भूमि के टीय लैंड मासेस की संकीर्ण पट्टी को इस्थमस कहा जाता है. व्हाई डू वी कॉल अंटार्कटिक एज ए वाइट कंटिनेंट, अंटार्कटिक को सफेद महाद्वीप क्यों कहा जाता है. इट इज कवर्ड विद थिक आइस थ्रू आउट द ईयर सो इट इज आल्सो कॉल्ड विद कंटेंट. यह सालों से बर्फ की मोटी चट्टानों से हर जगह से घिरा हुआ है, इसलिए इसे सफेद महाद्वीप कहा जाता है. व्हाट इज द ग्रेट बैरियर रीफ, महान ढाल शैल भित्ति किसे कहते हैं. The Great Barrier Reef is a unique feature found along the northeastern coast of the Australia. It is built by cars. ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी तटों पर स्थित महान शैल भित्ति की एक प्रमुख विशेषता है, यह प्रवालों से बना है. Name the layer of the atmosphere. वायुमंडल की परतों के नाम बताएं. There are five main layer of the atmosphere. वायुमंडल की प्रमुख पांच परतें हैं. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, क्षोभमंडल, सप्तापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और वायुमंडल. और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जोन लेयर, ओजोन लेयर का क्या कार्य है. ओजोन लेयर एब्सोर्ब हार्मफुल रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम सन रेज. ओजोन परत सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेन द लोकेशन एंड फीचर ऑफ एशिया,
एशिया की स्थिति तथा विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इट इज लोकेटेड ऑफ यूरोप नॉर्थ ऑफ द इंडिया ओशियन। एशिया कैन बी डिवाइडेड इंटू फाइव मेजर फिजिकल रीजियन, प्लेटियस, प्लांस, स्टेप्स एंड डिजर्ट। एशिया इज द लार्गेस्ट कंटेंट। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द अर्थ। यह यूरोप में तथा हिंद महासागर के अंतर में स्थित है। एशिया 5 भौतिक कारणों से बटा हुआ है, जैसे पठार, मैदानी इलाके आदि। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह कुल धरातलीय क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। एक्सप्लेन द लोकेशन एंड फीचर ऑफ यूरोप। यूरोप की स्थिति तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यूरोप इज ए कंटेंट लोकेटेड इंटरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड मोस्टली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यूरोप इज द 6th लार्गेस्ट कंटेंट। यूरोप महाद्वीप एशिया के पश्चिम में तथा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यूरोप विश्व का 6ठा विशालतम महाद्वीप है। एक्सप्लेन द पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर का वर्णन कीजिए। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्गेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा एवं विशालतम महासागर है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। इट इज सर्कुलर इन शेप। इट इज बाउंडेड बाय एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इन द ईस्ट। पैसिफिक मीनिंग पीसफुल इन 1520 बिकॉज जेंटली एंड स्टडी वीड्स बिलो हेयर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा एवं विशाल महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। इसका आकार वृत्ताकार है। इस महासागर के पूर्व में उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका तथा पश्चिम में एशिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। 1520 में महान व्यक्ति ने यह महासागर पार किया था, जिसका अर्थ है शांत। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ ओशियन। महासागर के महत्व को समझाइए। देयर आर 4 मेजर ओशियन। 4 महासागर निम्न प्रकार के हैं। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्टिक ओशियन। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। व्हाट इज बायोस्फीयर। जैव मंडल क्या है। एन आइडिया जॉन फॉर लाइफ वेयर ऑल 3 डोमेन एयर वाटर एंड क्लाउड मीट। दिस इज नाउन एज बायोस्फीयर। द वर्ड बायो मीन्स लाइफ एंड स्फीयर वेयर लाइफ एक्सिस्ट्स। वी कैन से ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन ईच फॉर देयर सर्वाइवल। स्थल जलवायु ये सभी जीवन के लिए अत्यावश्यक है तथा इनका मिलन स्थल जैव मंडल कहलाता है, क्योंकि ये तीनों जहाँ मिलते हैं वहाँ पर जीवन का आधार बनाते हैं। वह आधार जैव मंडल कहलाता है। बायो शब्द का अर्थ है जीवन तथा स्फीयर का अर्थ है होना। बायोस्फीयर जीवन होना। पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी जैव मंडल का ही अभिन्न अंग होते हैं।